इस वीडियो में हम प्रॉब्लम 3.115 सॉल्व करेंगे, तो आप इसको ट्राई करो। सिंपल प्रॉब्लम है, केवीएल पे बेस्ड है। अगर सॉल्व नहीं हो तो फिर आगे वीडियो देखना। इसमें बोल रखा है फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी ऑफ द सिस्टम शोन इन फिगर इफ द ईएमएफ इज इक्वल टू एप्सिलॉन इज इक्वल टू 110 वोल्ट एंड द कैपेसिटेंस रेशियो C2 अपॉन C1 इज इक्वल टू ईटा इज इक्वल टू 2। तो इसमें क्या करना है हमें, ए बी के अक्रॉस पोटेंशियल निकालना है। तो हम आर आई एप्सिलॉन है, मान लेते हैं यहाँ से क्यू चार्ज निकला, यहाँ ये प्लस ये माइनस। अब इधर Q1 चला गया और इधर Q2 चला गया, Q2 चला गया, तो यहाँ पे ये प्लस यहाँ माइनस, ये प्लस यहाँ माइनस और ये प्लस यहाँ माइनस। अब ये यहाँ इस नोड पे अगर हम देखें, लेट्स से इसको मैं सी बोल देता हूँ, इस सी नोड पे देखें तो हम यहाँ क्यू इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 लिख सकते हैं। ये हमारा हो गया KCL और इसको बोल देते हैं हम वन इक्वेशन। अब ये हमारा एक लूप है, इसको बोल देता हूँ मैं वन लूप, इसको बोल देता हूँ टू लूप। अगर हम लूप वन में KVL लगाएं तो हमारा क्या आएगा, ये प्लस ये माइनस। तो हम लूप वन में लगाते हैं, पैदल पैदल चलते हैं यहाँ से चल के वापस यहीं आएंगे, तो ये हमारी डायरेक्शन है चलने की। माइनस से प्लस, प्लस एप्सिलॉन, प्लस से माइनस, माइनस क्यू अपॉन C1। अब प्लस से माइनस Q1 है तो माइनस Q1 अपॉन C2 इज इक्वल टू 0। तो हम यहीं से क्या करते हैं, हमें दे रखा है C2 अपॉन C1 जो है वो है ईटा, तो यहाँ से C2 इज इक्वल टू ईटा C1 लिख लेते हैं। और हमें निकालना क्या है वो भी लिख लेते हैं, BAB निकालना है। तो BAB क्या निकल, BAB चार्ज यहाँ पे कितना जा रहा है, Q2, तो Q2 अपॉन के C2 दैट इज इक्वल टू Q2 अपॉन के ईटा C1। तो हमें BAB निकालना है। अब यहाँ पे हम C2 की जगह क्या रखते हैं, ईटा C1। तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू क्यू प्लस के Q1 अपॉन के ईटा, और जो बाहर कॉमन आ जाएगा वो आ जाएगा 1 अपॉन C1। तो हम यहाँ से ये हमारी दूसरी इक्वेशन हो गई। अब तीसरी इक्वेशन बनाने के लिए लूप टू में हम लगा देते हैं KVL, लूप टू में हम चलते हैं पैदल पैदल, इस सी पॉइंट से चलना स्टार्ट करते हैं। तो सी पॉइंट से जब चलना स्टार्ट करेंगे तो हमें C1 मिलेगा, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस Q2 अपॉन C1। अब फिर से हमें C2 मिलेगा, तो C2 और चार्ज उस पर क्या है Q2, तो हम C2 को क्या लिख सकते हैं, ईटा C1, तो माइनस Q2 अपॉन ईटा C1। अब हमें फिर से C2 मिलेगा यहाँ पे, तो यहाँ ये प्लस Q1 अपॉन ईटा C1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से Q2 अपॉन C1 1 प्लस के 1 बाई ईटा इज इक्वल टू Q1 अपॉन के ईटा C1। तो यहाँ से C1 कैंसिल आउट हो जाएगा और Q2 जो आएगा हमारा वो आ जाएगा Q1 अपॉन 1 प्लस ईटा। अब ये Q2 आ गया, इसको हम बोल देते हैं थर्ड इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन से क्या करते हैं, क्यू प्लस Q1 बाई ईटा इज इक्वल टू एप्सिलॉन C1। तो यहाँ से क्यू की जगह हम फर्स्ट इक्वेशन से लिख देते हैं Q1 प्लस Q2। तो हमने Q1 प्लस Q2 लिख दिया, तो Q1, अब ये वाला Q1 है वो कॉमन आएगा, तो 1 प्लस के 1 बाई ईटा प्लस के Q2 इज इक्वल टू एप्सिलॉन C1। अब क्या करते हैं, थर्ड इक्वेशन से Q1 की वैल्यू रख देते हैं। Q1 की वैल्यू क्या होगी, Q2 1 प्लस के ईटा
वन प्लस के ईटा बाई ईटा प्लस के क्यू टू इज इक्वल टू एप्सिलॉन सी वन। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो जो हमारा क्यू टू आएगा वो आएगा क्यू टू इज इक्वल टू ईटा सी वन एप्सिलॉन अपॉन के ईटा स्क्वायर प्लस के थ्राइस ईटा प्लस वन। तो जब हम इसको लेके आएंगे ईटा सी वन को नीचे लेके आ जाते हैं क्यू टू अपॉन के ईटा सी वन इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन के ईटा स्क्वायर प्लस थ्राइस ईटा प्लस वन। और ये देखो यहाँ से अगर हम यहाँ से देखें तो यही हमारा बी ए भी है। तो हम एप्सिलॉन की वैल्यू वन टेन रख देंगे और ईटा की वैल्यू टू, तो ये हमारा टेन वोल्ट आ जाएगा। तो ये इसका आंसर है।